एक सेलेक्टर तो लगाना आ गया है। अब ये हम सारे सेलेक्टर एक एक करके देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले इन्होंने बात की है यूनिवर्सल सेलेक्टर की। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है कि जब आप इसको लगाते हैं तो ये टारगेट करता है तमाम एलिमेंट्स को ऑन द पेज, कि स्टेरिक करके मैंने जो बात बोल दी वो पेज के हर एक एलिमेंट पे वो लग जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे इन्होंने ये कोड लिखा हुआ है यहाँ पे ना, तो यही कोड हम अपने पास भी लिख लेते हैं और हम ज़रा एक एक करके तमाम सेलेक्टर्स को लगा के देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, ये जो हेलो वर्ल्ड का कोड हमने लिखा था इसके लिए एक अलग फोल्डर बना देता हूँ मैं। सही है, इसके लिए मैंने अलग हेलो वर्ल्ड बना दिया और उसके बाद मैं सी एस एस सेलेक्टर्स के लिए बना लेता हूँ। सही है, सी एस एस 3 सेलेक्टर्स लिखा है मैंने इसमें और यहाँ पे मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और ये वही एच टी एम एल का कोड है जो बुक में इन्होंने लिखा हुआ था, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, और मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी पाथ करके इसको इधर ओपन भी कर लेता हूँ। सही है, तो कुछ इस तरह का ही उन्होंने कोड लिख के यहाँ पे रखा हुआ है। अब प्लस में आता हूँ हेड में और हेड में आके मैं क्या करता हूँ, स्टाइल का एक टैग लगाता हूँ और स्टैरिक करके मैं क्या बोलता हूँ कि कलर ब्लू। तो इससे क्या होगा, इस पेज के तमाम एलिमेंट ब्लू हो जाएंगे क्योंकि स्टैरिक क्या करता है, तमाम एलिमेंट्स को टारगेट करता है। प्लस साथ में मैंने क्या बोल दिया, साथ में मैंने बोल दिया कि भाई बॉर्डर कर दो भी इसमें 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, तो हर चीज़ पे ही लग गया बॉर्डर। ऑब्वियसली मैं इसको इस्तेमाल इस तरह से नहीं करूँगा हर दफ़ा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं अब आगे क्या है इसमें। तो ये पहला सेलेक्टर हमें समझ आ गया, यूनिवर्सल सेलेक्टर स्टैरिक लगा के। अच्छा, आमतौर पर स्टैरिक को किस लिए यूज़ किया जाता है कि बॉडी पे या कुछ एलिमेंट्स होते हैं एचटीएमएल के जिनके ऊपर ना बिल्ट इन कुछ ना कुछ मार्जिन और पैडिंग लगी हुई होती है। तो सम टाइम कुछ डिज़ाइनर्स ये करते हैं कि बिल्ट इन जितने भी होते हैं ना पैडिंग और मार्जिन उनको ज़ीरो कर देते हैं। सही है, तो उसके लिए स्टैरिक का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हर एलिमेंट पे जैसे पैराग्राफ है ना उस पर साइडों पे भी होता है और टॉप बॉटम पे भी होता है, रेशो लेकिन अलग अलग है हर एलिमेंट का। किसी में ऊपर नीचे ज़्यादा होता है, साइडों में कम होता है, किसी में बराबर होता है चारों साइडों पे, जैसे बॉडी है उसमें चारों साइड पे बराबर होता है। तो उसको समटाइम ये ज़ीरो करके ना फिर अपनी मर्ज़ी का उस पर लगा रहे होते हैं हर चीज़ पर। अच्छा, नंबर टू हमारे पास है टाइप सेलेक्टर। टाइप सेलेक्टर जो है वो क्या करता है, अगर इस तरह लिखेंगे इसको तो टारगेट्स द H1, H2 एंड H3 एलिमेंट्स, यानी जो नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे उसी को ही सेलेक्ट करेगा ये। ठीक है, जो H1 जो एलिमेंट है वो असल में क्या है, H1 उस एलिमेंट की टाइप है। तो मैंने कहा कि H1 पे लगा दो, H2 पे लगा दो, H3 पे, तो इन्हीं तीन टाइप के एलिमेंट्स पे ये लगाएगा, किसी और पे ये नहीं लगाएगा। ठीक है, अच्छा अभी हम थोड़ी देर पहले ये करके देख चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं। ये स्टैरिक वाले को मैं क्या कर देता हूँ, रोक देता हूँ। ठीक है जी, कमेंट करके मैंने इसको रोक दिया और उसके बाद मैं अपने पेज पे देखता हूँ कि ये सारे स्टाइल ख़त्म हो चुके हैं जो पहले से लगे हुए थे। अच्छा, ये जो मेरे पास है ये क्या चीज़ है, ये एक अदद H2 है, स्प्रिंग लिखा हुआ है जिसके ऊपर। तो इस H2 पे जाके मैं कुछ लगाने की कोशिश करता हूँ। अगेन मैं उसमें कलर ही चेंज करता हूँ क्योंकि अभी हमने ज़्यादा वो नहीं देखे, तो अभी जस्ट इसके मैं कलर को रेड करता हूँ। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका कलर रेड होगा जस्ट। अच्छा, प्लस H2 के साथ मैं कोई और भी चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार LI को भी कर दो आप। तो LI इसमें कहाँ पर है, ये सारे के सारे LI हैं। तो जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा ये LI भी क्या हो गया, इसका भी कलर चेंज हो गया। लेकिन क्योंकि LI के अंदर जो है वो एक अदद लिंक लगा हुआ है, तो वो लिंक, एक मिनट इसका ज़रा वो देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन किस तरह है। ये ना LI के अंदर लिंक लगा हुआ है, तो लिंक को नहीं पता लगा। अच्छा, मैं साथ में आके इसका भी नाम बताता हूँ, मैं कहता हूँ यार एंकर टैग जो है उसका भी कलर चेंज कर दो, तो एंकर टैग का भी कलर चेंज हो गया। सही है, तो जिस जिस का नाम बताता जाऊँगा ये उस पे लगता चला जाएगा। तो हमने ये नंबर सेकंड देख लिया टाइप सेलेक्टर, कि जिन एलिमेंट्स का नाम लिखेंगे उस पे लग जाएगा।
नंबर थ्री पे हमारे पास है जी क्लास सेलेक्टर, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टर है क्योंकि इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है CSS का, ख़ास तौर पे पेज बनाते वक्त, ठीक है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी का होता है क्लास सेलेक्टर का। कह रहे हैं कि जी क्या होगा जब आप ऐसे करके लिखेंगे ना डॉट नोट, तो टारगेट एनी एलिमेंट वोज क्लास एट्रीब्यूट हैज़ वैल्यू ऑफ नोट। कह रहे हैं कि आप, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था वो आईडी लगाते थे और क्लास लगाते थे, तो आईडी जब लगाएंगे किसी सेलेक्टर किसी एलिमेंट के ऊपर या क्लास आप किसी सेलेक्टर पे लगाएंगे तो उसकी क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है। आईडी जो होती है वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, और क्लास जो होती है वो क्लस्टर आइडेंटिफिकेशन होती है कि अच्छा जी ये इस क्लास से बिलोंग करता है ये वाला एलिमेंट। तो जब मैं यहाँ पर आके बोलता हूँ ना कि इस क्लास के ऊपर ये CSS लगा दो, जब मैं आके बोलता हूँ कि यार किस पे लगा दो, डॉट करके बोलता हूँ क्लास को मैं, तो मैंने कहा कि नोट के नाम से एक क्लास है जिसके ऊपर ये CSS लगानी है, तो इस क्लास से जितने भी एलिमेंट्स बिलोंग करते होंगे उन सब पे ही अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं बोलूँगा पी डॉट नोट, तो इसका क्या मतलब होगा कि अब ये नोट के नाम से जो क्लास थी ना, अब ये पूरी क्लास पे अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ उन क्लासेस पे अप्लाई होगा जो पी के ऊपर लगी हुई है, पैराग्राफ के अंदर जो जो क्लास लगा हुआ है ना नोट, सिर्फ उस पर अप्लाई होगा। तो आके हम ज़रा इसको देखते हैं, अपना इस CSS को भी रोक देते हैं, और इस CSS को रोकने के बाद हम नीचे देख लेते हैं कि हमारे पास नोट के नाम से जो क्लास है वो कहाँ लगा हुआ है। नोट के नाम से क्लास जो है वो सिर्फ एक ही जगह पे लगा हुआ है, ठीक है, दैट इज़ दिस पैराग्राफ। तो अब हम क्या करते हैं इसके ऊपर इस तरह लगा के देख लेते हैं पी डॉट नोट। पहले तो डॉट नोट लगाते हैं, और इस पर मैं कहता हूँ कि कलर हो जाए आपका रेड। अच्छा, और इधर आता हूँ मैं, रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये पैराग्राफ था मेरा नोट वाला, इसका कलर रेड हो गया। अच्छा, और अगर मैं लगाता हूँ पी डॉट नोट कि जी पैराग्राफ के अंदर जो नोट है उसी पे ही लगे, किसी और पे ना लगे, तो अभी भी क्या होगा, इसी तरह ही रहेगा, क्यों, हमारे पास पैराग्राफ है ही एक और उसी पे लगा हुआ है नोट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक पैराग्राफ और बना लेता हूँ, या एक समझ लें आप एच थ्री बना लेता हूँ एक, सम नोट्स इस पे मैंने लिख दिया। अब देखें क्लास इस पे भी लगी हुई है नोट, क्लास इस पे भी लगी हुई है नोट, जब मैं सिर्फ नोट बोलूंगा तो दोनों पे अप्लाई होगा, जब मैं सिर्फ क्लास नोट बोलूंगा तो दोनों पे अप्लाई होगा, राइट, दोनों पे, क्योंकि क्लास की नोट की क्लास है, ये दोनों पे अप्लाई हो गया। लेकिन जब मैं बोलूंगा ना कि जी पैराग्राफ डॉट नोट, तो सिर्फ इस पैराग्राफ वाले नोट पे अप्लाई होगा, इस पे अप्लाई नहीं होगा, ख़त्म हो गया। या अगर मैं बोलता हूँ कि यार एच थ्री डॉट नोट, तो ये सिर्फ उस एलिमेंट पे अप्लाई होगा जिस पे नोट की क्लास भी है लेकिन एच थ्री भी है साथ, यानी कि इस पैराग्राफ पे अभी अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ इस वाले पे अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या देखा कि सेलेक्टर का जो इस्तेमाल है वो दो सेलेक्टर को मिला के भी हो सकता है, यानी कि इस वाले सेलेक्टर में जो इन्होंने करके बताया है, ये पी क्या था, ये टाइप सेलेक्टर था, और डॉट नोट उसने बोला है, ठीक है, पी के अंदर डॉट नोट बताया है कि भाई वो वाला पैराग्राफ जिस पे नोट की क्लास लगी हुई है वो वाला। तो इसका मतलब है कि सेलेक्टर्स को मिला के भी इस्तेमाल किया जा सकता है दो सेलेक्टर को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, दैट इज़ कॉल्ड आई डी सेलेक्टर। आई डी सेलेक्टर क्या करता है, टारगेट द एलिमेंट वोज आई डी एट्रीब्यूट हैज़ अ वैल्यू ऑफ इंट्रोडक्शन। अगर ऐसे करके लगाया है मैंने तो उस एलिमेंट पे ही अप्लाई होगा, उन तमाम एलिमेंट्स पे ही अप्लाई हो जाएगा जिसके ऊपर आई डी लगी हुई होगी, ये इंट्रोडक्शन। लेकिन आई डी हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट पे जो आई डी हम लगा देते हैं वो किसी दूसरे एलिमेंट पे हम नहीं लगाते हैं, लिहाजा इस आई डी के अगेंस्ट मुझे सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलेगा और उस पर ही अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं जी, हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन के नाम से हमारे पास क्या मौजूद है। इंट्रोडक्शन के नाम से हमारे पास देखो एक ये मौजूद है, ये पैराग्राफ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि यार इंट्रोडक्शन को जो है ना आप क्या कर दो, इंट्रोडक्शन को आप कर दो बॉर्डर लगा दो इस पर 3 पिक्सल का सॉलिड ग्रीन, ठीक है, 3 पिक्सल का मैंने ग्रीन बॉर्डर लगवा दिया इस पर। तो आप देखिए ये इस पर लग गया,
क्योंकि इस पे एक ही पे ही आईडी मौजूद थी, किसी और पे ही आईडी मौजूद नहीं थी। आ जाते हैं जी अब और आगे। चाइल्ड सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर का काम क्या होता है कि जी टारगेट एनी एंकर एलिमेंट दैट आर चिल्ड्रन ऑफ एल आई। ये सिर्फ ये एंकर टैग पे तो लगेगा, लेकिन ये किस एंकर टैग पे लगेगा जो एल आई के अंदर मौजूद होंगे, ये उन एंकर टैग के ऊपर लगेगा। तो आके लगा के देखते हैं। मैंने कहा कि यार एल आई के अंदर जो एंकर टैग है उस पर आप क्या कर दो, एल आई के अंदर जो एंकर टैग है उस पर क्या कर दो, उस पर लगा दो बॉर्डर लगा दो, उस पर भी बॉर्डर लगा दो 2 पिक्सल का सॉलिड पिंक। ये पिंक ऐसा कैसे हो गया, पिंक तो बड़ा शदीद किस्म का पिंक हुआ करता है। सही है, ये सारों पे ना पिंक लग गया। ये वेल पता नहीं डार्क पिंक हो रहा था क्या हो रहा था। हाँ नहीं, सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस पिंक को मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल ही बारबी बन गया ना ये, इतना तो करें। सही है। अच्छा तो इन सबको मैंने क्या कर दिया, टारगेट कर दिया। अच्छा अगर मैं ये बोलता कि सिर्फ एंकर टैग पे लगाओ, मैंने अभी यहाँ पे क्या बोला हुआ है, मैंने बोला हुआ है कि उस एंकर टैग पे लगाओ जो एल आई के अंदर है, यानी मैंने बोला एल आई के अंदर एंकर टैग, इस तरह करके मैंने बोला हुआ है। अगर मैं सिर्फ बोलता एंकर टैग तो ये मैं एल आई हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए इस पर से, सिर्फ एंकर टैग बोलता तो एंकर टैग कहाँ पर मौजूद है, और यहाँ इन दोनों पर भी एंकर टैग मौजूद है, इस पर भी एंकर टैग मौजूद है। मैं रिफ्रेश करूँगा इन सब पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने चाइल्ड सेलेक्टर को देख लिया। अभी तक हमने कौन कौन सेलेक्टर देख लिए हैं, नंबर 1 यूनिवर्सल सेलेक्टर, नंबर 2 टाइप सेलेक्टर, नंबर 3 क्लास सेलेक्टर, नंबर 4 आईडी सेलेक्टर और नंबर 5 चाइल्ड सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर के बाद हमारे पास एक है दैट इज कॉल्ड डिसेंडेंट सेलेक्टर। डिसेंडेंट किस चीज़ को कहते हैं अंग्रेजी में, कोई बता पाएगा आप में से, व्हाट डज इट मीन बाय डिसेंडेंट? बॉटम टू टॉप। अच्छा चलो सवाल में मजीद क्लैरिफाई कर देता हूँ कि चाइल्ड में और डिसेंडेंट में क्या फर्क होगा। बाप बेटा, बाप बेटा तो चाइल्ड हो गया, डिसेंडेंट हाँ भाई गूगल करो, गूगल करो डिसेंडेंट किस चीज को कहते हैं, जल्दी से गूगल करो, क्योंकि डिसेंडेंट समझ आ जाएगा तो सेलेक्टर खुद ही समझ आ जाएगा। ग्रैंड पेरेंट, गलत नहीं, ग्रैंड पेरेंट को डिसेंडेंट नहीं कहते, डिसेंडेंट औलाद नहीं, तो औलाद तो चाइल्ड है, तो डिसेंडेंट में और चाइल्ड में क्या फर्क हुआ? अच्छा जो चाइल्ड का जो चाइल्ड है वो डिसेंडेंट होगा ये कह रहे हैं आप, यानी चाइल्ड का इनहेरिटेंस। हाँ बिल्कुल सही इन्होंने बताया। देखो डिसेंडेंट क्या होता है, एक तो चाइल्ड होता है ना, जो डायरेक्ट चाइल्ड होता है उसी को हम चाइल्ड कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हम उसको कहते हैं पोता, तो पोता जो होता है दादा और जो और पोता होता है वो आपस में डायरेक्ट चाइल्ड पेरेंट का रिलेशन नहीं होता उसमें, सही है। तो लेकिन स्टिल वो डिसेंडेंट होता है, यानी ब्लड लाइन जो नीचे की तरफ जितनी भी जा रही है ना, यानी हम सब किसके डिसेंडेंट हैं, अल्टीमेटली हजरत आदम के डिसेंडेंट हैं हम लोग भी, और इस वक्त दुनिया में जितने भी इंसान बसते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम किसके डिसेंडेंट हैं, जो भी ब्लड लाइन पूरी चली है, ठीक है, तो हम उनके डिसेंडेंट्स हैं। तो इसी तरह जो किसी ख़ास इलाके में रहने वाले लोग हैं वो भी किसी ना किसी को अपना डिसेंडेंट, किसी ना किसी के अपने आप को समझते हैं वो, ठीक है। जैसे जो
चंगेज़ खान की औलादें हैं जो वो अपने आप को नाम के साथ लगाती हैं वो, तो वो अक्सर मकसद होता है कि वो मतलब हाँ उनकी हम औलादें हैं है ना, उनके हम डिसेंडेंट्स हैं। जैसे वो लगाते हैं गौरी, तो वो अपना अपने आप को एसोसिएट करते हैं शहाबुद्दीन गौरी के साथ है ना, मुग़ल वगैरह हैं वो मुग़ल बादशाहों के साथ एसोसिएट करते हैं। तो इस तरह जो आप नाम के साथ आप तौर पे लगा रहे होते हैं ना, तो वो असल में किसी न किसी से हम एसोसिएट करते हैं कि जी हम उसके डिसेंडेंट्स में से हैं, ठीक है, हम उनके, जैसे अभी कायद आज़म के जो बच्चे होंगे वो अपने नाम के साथ कुछ ना कुछ लगा देते होंगे। तो अब मैंने बोला ना कि पैराग्राफ का डिसेंडेंट एंकर टैग, इसका मतलब ये है कि एक तो पैराग्राफ में डायरेक्ट एंकर टैग होगा ना डायरेक्ट, तो उस पर तो चाइल्ड सेलेक्टर लग जाएगा, लेकिन अगर हुआ ना पैराग्राफ के अंदर वो है एक डिव और फिर उस डिव के अंदर एंकर टैग हुआ, तो चाइल्ड सेलेक्टर उस पर काम नहीं करेगा, डिसेंडेंट उस पर भी काम कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, सम टाइम हमें सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड को टारगेट करना होता है, डिसेंडेंट को टारगेट नहीं करना होता, तो वहाँ पे हम चाइल्ड को लगाते हैं। सम टाइम हम चाहते हैं कि यार इसके अंदर कहीं पे भी कुछ भी हो लग जाए, सही है, कहीं पे भी कुछ भी हो लग जाए, तो मैं कहता हूँ कि यार मैंने मिसाल के तौर पे कहा कि एक डिव है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं एक टाइप सेलेक्टर और इसके टाइप सेलेक्टर पे ही लगाऊं। ये दो असल में दो टाइप सेलेक्टर लगे हुए हैं और बीच में स्पेस है, स्पेस का मतलब है कि डिसेंडेंट्स को सेलेक्ट करना चाहता हूँ मैं। मैं यहाँ पे ये भी कर सकता था कि मैं कहता क्लास, मैं कहता क्लास नोट, सही है, और क्लास नोट और स्पेस डाल के फिर लिख देता एंकर टैग। तो अगर किसी डिव पे, किसी बड़े डिव पे नोट की क्लास लगी हुई है, तो उस डिव के अंदर किसी भी जगह कोने में छुपा हुआ कोई एंकर टैग होता है उस पर ही अप्लाई हो जाता, सही है। अच्छा, ये स्टिल शायद इस तरह से समझ ना आएगी, जब आप अपने हाथ से लिखेंगे तो ये समझ आएगा, और थ्रू आउट द कोर्स इसको हम लगाते रहेंगे, इसी तरह लिखते रहेंगे, ठीक है, जगह जगह पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ पे उसको इस्तेमाल करेंगे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही समझ आ जाएगा। लेकिन अभी हमने क्या समझ लिया कि डिसेंडेंट सेलेक्टर का मतलब क्या होता है, कि किसी एक एलिमेंट का मैं नाम लेता हूँ और मैं कहता हूँ इसके इसके डिसेंडेंट्स में अगर पैराग्राफ कोई भी मौजूद है, या इसके डिसेंडेंट्स में एंकर टैग कोई भी मौजूद है, या इसके डिसेंडेंट्स में स्पैन कोई भी मौजूद है, तो उस पर ये लगा दो, तो वो इस तरह लग जाता है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर क्या होता है, देखो हमारे पास जो HTML का कोड होता है ना वो ट्री फॉर्मेट में होता है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, ठीक है, ट्री स्ट्रक्चर में होता है। ट्री स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है जी, कि एक हमारे पास होता है HTML का टैग ओपन और क्लोज, मेन टैग वही होता है ना, उसके अंदर दो टैग होते हैं, दो एलिमेंट्स होते हैं एक्चुअली, एक हेड होता है एक बॉडी होता है, फिर हेड के अंदर मजीद कुछ एलिमेंट्स होते हैं, फिर बॉडी के अंदर मजीद कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो एक्चुअली अगर इसको ड्रॉ करूँगा मैं पेपर पे, तो ये ट्री की शक्ल बन जाएगी, तो एक ट्री की तरह ये मुझे नज़र आ रहा होगा। तो उस ट्री के अंदर हमने ये बात अभी देख ली है कि चाइल्ड पेरेंट का रिलेशन हम देख चुके हैं कि किस तरह से होता है, कि कोई एलिमेंट अगर बाहर है, जैसे कि बॉडी सबका पेरेंट है, बॉडी के जो दो चाइल्ड हैं कौन कौन से हैं, हेड और बॉडी, सॉरी HTML का जो एलिमेंट है उसके दो चाइल्ड हैं, हेड और बॉडी, ठीक है। अच्छा, हेड के फिर कितने चाइल्ड हैं, टाइटल एक उसका होता है, हमने देखा है कि क्या कहते हैं, तो हेड में जो भी कुछ लगा हुआ है अंदर, तो वो हेड का चाइल्ड है ऑब्वियसली। अच्छा, इसी तरह बॉडी के अंदर भी कुछ ना कुछ तो मैंने लगाया हुआ है H1 पैराग्राफ, तो ये सारे बॉडी के चाइल्ड हैं, सही है। तो आप इमेजिन कर लें कि बॉडी में मेरे पास, बल्कि वो कोड खोल लेते हैं ना जो हमने लिखा हुआ है अभी, ठीक है, तो बॉडी में हमारे पास एक H1 है, एक पैराग्राफ है, एक H2 है, ये तीनों जो है वो किसके चाइल्ड हैं, ये बॉडी के चाइल्ड हैं तीनों, तो ये तीनों आपस में क्या हुए, सिबलिंग्स हुए, भाई बहन हुए, ठीक है, सिबलिंग अंग्रेजी में भाई बहन को कहते हैं, तो ये तीनों आपस में सिबलिंग हो गए इस नस्बत से। तो एडजेसेंट सिबलिंग जो बात हो रही है ना, एडजेसेंट सिबलिंग का मतलब है कि वो भाई जो बिल्कुल पड़ोस में खड़ा हुआ है, ठीक है। सिबलिंग असल में जो वर्ड है ना वो जेंडर इंडिपेंडेंट है, यानी चाहे वो भाई हो या बहन हो, वो दोनों पे फिट होता है, एक ही है, लेकिन वो जेंडर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब हम ये नहीं बोल सकते कि H1 जो है बहन है या भाई है, लेकिन H1 सिबलिंग है, सही है। अगर ब्रदर सिस्टर नहीं बोल सकते थे, सिबलिंग बोल सकते हैं उसको, क्योंकि जेंडर इंडिपेंडेंट चीज़ है। वैसे भी हमारे यहाँ जेंडर बहुत हो रहे हैं आजकल,
जेंडर कम करने की ज़रूरत है। तो सही है ना, इस्लाम में भाई दो ही जेंडर होते हैं, तीसरा कोई जेंडर नहीं होता। वेल तो ये जो है वो जेंडर इंडिपेंडेंट इन्होंने वर्ड इसलिए यूज़ किया सिबलिंग। यहाँ पे एडजेसेंट सिबलिंग का मतलब है कि अगर मैं एक ऐसे पैराग्राफ को टारगेट करना चाहता हूँ, मैं एक ऐसे पैराग्राफ को टारगेट करना चाहता हूँ जो एच वन के फौरन बाद आता है, सही है। हालांकि पैराग्राफ इसमें और भी हैं, एक पैराग्राफ ये भी है, लेकिन ये एच वन के फौरन बाद नहीं आता। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एच वन प्लस पैराग्राफ, यहाँ पे इन्होंने जिस तरह बताया है। तो ये क्या करेगा, टारगेट द फर्स्ट पैराग्राफ एलिमेंट आफ्टर एच वन। कहीं पे भी एच वन लिखा होगा मेरे पूरे डॉक्यूमेंट में, कहीं पे भी एच वन लिखा होगा, उसके फौरन बाद जो पैराग्राफ आता होगा या उसका जो सिबलिंग होगा पैराग्राफ, उस पैराग्राफ पे ही अप्लाई होगा, किसी और पे अप्लाई नहीं होगा। जो पैराग्राफ वैसे पढ़े अलग से उस पे अप्लाई ये नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आता हूँ, मैं तमाम स्टाइलिंग को यहाँ पे रोक लेता हूँ, ठीक है। तमाम स्टाइलिंग को रोकने के बाद मेरा पेज कुछ इस तरह का हो गया। अब मैं जब लगाऊंगा ना एच वन प्लस पैराग्राफ, तो इस पैराग्राफ पे अप्लाई होगा, इस पैराग्राफ पे अप्लाई नहीं होगा। मैंने कहा जी एच वन प्लस पी, और मैंने कहा जी कलर रेड, ठीक है। ऊपर वाला हुआ, नीचे वाला नहीं हुआ। अगर मैं एच वन प्लस हटा दूँ, मैं सिर्फ पैराग्राफ लिखूँ, तो ये दोनों पे हो जाएगा, ठीक है। ये समझ आ गई बात? अच्छा चलो भाई, ये हो गया। अच्छा उसके बाद है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। ये तो था सिबलिंग सेलेक्टर, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। अब ये इसके बाद है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। जनरल सिबलिंग सेलेक्टर क्या करता है कि इफ यू हैड टू पैराग्राफ एलिमेंट्स दैट आर सिबलिंग ऑफ एच वन, दिस रूल वुड अप्लाई टू बोथ। अब देखो, आओ जरा और भाई बहन इसकी तलाश कर लेते हैं। देखो ये जो H1 है, ये पैराग्राफ इसका सिबलिंग है, ये H2 भी इसका सिबलिंग है, ये UL भी इसका सिबलिंग है, ठीक है। अच्छा क्या ये LI भी इसका सिबलिंग है? LI इसका सिबलिंग नहीं है, ये UL सिबलिंग है इसका। अच्छा इसी तरीके से पैराग्राफ भी इस H1 का सिबलिंग है, ये पैराग्राफ भी, राइट। इसी तरह से ये H3 भी है और ये लास्ट वाला पैराग्राफ भी है, सही है। तो एक तो था एडजेसेंट सिबलिंग, उसमें तो था कि जी एच वन के फौरन बाद जो पैराग्राफ आता है वो है। जनरल सिबलिंग में मैंने कहा कि एच वन के जितने भी सिबलिंग है पैराग्राफ, उन सब पे लगा दो ये। तो लिहाजा ये इस पैराग्राफ पे भी लग जाएगा, इस पे भी लग जाएगा और इस पे भी लग जाएगा। कौन से वाले पे नहीं लगेगा? कोई अगर यू एल के अंदर हुआ ना, उस पे नहीं लगेगा, ठीक है। कोई यू एल के अंदर हुआ उस पे नहीं लगेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूँ, वेल तो इस लेवल पे जितने भी होंगे ना, एच वन वाले लेवल पे जितने भी पैराग्राफ होंगे, सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ एडजेसेंट पे नहीं, बल्कि नीचे वाले सिबलिंग्स पे भी। तो मैं क्या कर देता हूँ, उसको प्लस हटा के ये लगा देता हूँ, मैं जनरल सिबलिंग सेलेक्टर यहाँ लगा देता हूँ। अब मैं जब इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये क्या हो गया, दोनों पे अप्लाई हो गया, ठीक है। और जब इस पे प्लस जब तक लगा हुआ था तो ये एक पे अप्लाई हो रहा था, सॉरी नहीं, स्प्रिंग तो पैराग्राफ नहीं है ना, हेडिंग तो है नहीं। देखो मैंने क्या बोला है, मैंने कहा एच वन का सिबलिंग होगा और पैराग्राफ होगा उस पे अप्लाई होगा, सही है। अगर मैं बोल दूंगा एच वन का सिबलिंग हो और एच टू हो या एच थ्री हो, तो एच थ्री वाले पे अप्लाई हो जाएगा। ये एच थ्री क्या है, ये एच टू है, एच टू है ये, ठीक है। मैं बोलूँगा एच टू है, उस पर अप्लाई हो जाएगा। अभी ये क्या हुआ, अच्छा ये तो एडजेसेंट लगा दिया ना मैंने, इस पर जनरल सिबलिंग लगा देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा भाई एच वन के जितने भी सिबलिंग हैं और एच टू है वो, तो उन पे सब पे लगा दो, अब लग जाएगा इस पर, सही है, अब लग गया। अच्छा एक और भी बात है, मैं एक से ज़्यादा सेलेक्टर को कॉमा सेपरेट करके भी लगा सकता हूँ। मैं कहता हूँ भाई एच वन के जितने भी सिबलिंग हैं एच टू और एच वन के जितने भी सिबलिंग हैं पैराग्राफ, उन पर भी लगाओ, तो इस पे भी लग जाएगा, इस पे भी लग जाएगा। सेलेक्टर आप एक से ज़्यादा जितने भी कॉमा कॉमा करके ना,
जितने भी सेलेक्टर लगा सकते हैं आप। मैंने कहा H1 पे खुद पे भी लगा दो, H1 पे खुद पे भी लगा दो ये वाला, तो तीनों पे लग जाएगा ये। अच्छा अब ये सेलेक्टर्स की मुझे ज़रूरत क्यों पड़ती है और कहाँ पे पड़ती है? सेलेक्टर की मुझे ज़रूरत जब पड़ती है जब मेरा पेज ज़ाहिर है, अभी तो हमने बिल्कुल ही प्लेन HTML लिखा हुआ है ना, लेकिन अगर मैं कोई प्रॉपर वेबसाइट खोलूँ, जैसे आपने YouTube का जो होम पेज है, अब उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं अंदर, तो वहाँ पे मुझे किसी एक छोटे से एलिमेंट को टारगेट करना पड़ता है ना जब, तो मैं उसके नाम से कभी भी टारगेट नहीं करता उसको, क्योंकि अगर कोई छोटा सा आइकन लगा हुआ है तो वो कौन सा टैग होगा? IMG का टैग होगा वो आइकन पे, ठीक है, या आई का टैग होगा। तो भाई आइकन तो और भी बहुत सारे हैं, मुझे किसी एक आइकन को टारगेट करना है, तो मुझे फिर इन सेलेक्टर्स का इस्तेमाल करके उसको पिन पॉइंट करना पड़ता है उसी वाले को, है ना। तो मुझे सेलेक्टर्स की वहाँ पे बड़ी शदीद ज़रूरत पड़ती है। अभी आपको लग रहा होगा यार सेलेक्टर की भी, इतनी सारे सेलेक्टर की क्यों ज़रूरत है हमें ये, लेकिन ये ज़रूरत पड़ेगी जब कॉम्प्लेक्स पेजेस बनाएंगे तो उसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, ठीक है। अच्छा प्लस एक और भी चीज़ चेक कर लेते हैं, मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे H1 और मैं लिखता हूँ कि कलर रेड, ठीक है, सिर्फ H1 पे मैंने कलर रेड लगवाया है। अगर मैं इस कलर का जो सी है अगर कैपिटल कर दूँ तो अभी भी काम कर रहा है ये, हालांकि करना नहीं चाहिए इसको लेकिन कर रहा है। अच्छा H1 का अगर मैं H कैपिटल कर दूँ, ठीक है, अभी भी काम कर रहा है ये, हालांकि इसको करना नहीं चाहिए। अच्छा इसी तरीके से रेड का मैं R अगर कैपिटल कर दूँ तो भी ये क्या कर रहा है? काम कर रहा है। अच्छा लेकिन बुक में इन्होंने लिखा है कि यार वो काम नहीं करेगा, लेकिन ये काम कर रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद गूगल क्रोम इतना स्मार्ट ब्राउज़र है कि उसको वो पकड़ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसको किसी दूसरे ब्राउज़र पे चला लेते हैं, सफारी ब्राउज़र पे इसको चला लेते हैं। अरे ये क्या हुआ, सफारी पे ये उस तरह नहीं चलेगा, लाइव सर्वर से चलेगा। सफारी पे भी चल रहा है। अच्छा तो वेल हमने ये देख लिया कि बुक में जो उन्होंने बात लिखी हुई थी कि भाई ये केस सेंसिटिव होते हैं, हमने ये देखा कि ये केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन स्टिल हमें क्या करना है, इसको स्मॉल में ही इस्तेमाल करना है, सेलेक्टर का एग्जैक्टली जो नाम है वही इस्तेमाल करना है, अदरवाइज उसको हमने नहीं करना। अच्छा जो ID और क्लास है ये तो ऑब्वियसली केस सेंसिटिव होंगे ही ना, क्योंकि कैपिटल से मैंने कोई क्लास बनाया हुआ है या स्मॉल से बनाया हुआ है। जैसे इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मैं आता हूँ इंट्रोडक्शन पे और मैं इसका आई कैपिटल कर देता हूँ, तो अब तो ऑब्वियसली ये नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि क्लास और आईडी तो ये है ही केस सेंसिटिव है, ठीक है। मैं स्मॉल आई करूँगा तो वापस सही हो जाएगा, सही है। इसी तरीके से जो हमारा क्लास थी नोट, नोट पर जब मैं लगाता था तो अच्छा नोट पर डॉट लगेगा ना, ठीक है, तो इन दोनों पे ही अप्लाई हो गया। और जब मैं क्या करता हूँ आके इसको n कैपिटल कर देता हूँ अगर, तो फिर इसको पता नहीं लगता। तो हमने ये देखा कि क्लास और आईडी जो है वो सिर्फ केस सेंसिटिव है, बाकी के सेलेक्टर्स जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन स्टिल मुझे क्या करना है, जिस तरह से बुक में इन्होंने बताया ना उसी तरह से लिखना है, स्मॉल में ही लिखना है, ठीक है। तो हम क्योंकि किसको फॉलो करते हैं, हम ब्राउज़र्स को फॉलो नहीं करते, हम HTML5 का जो स्टैंडर्ड है हम उसको फॉलो करते हैं, और वो आपको कहाँ से मिलेगा, वो MDN का जो डॉक्यूमेंट है ना वहाँ पे से आपको पता लग जाएगा। तो आप सब लोग जाके उसको भी देख लीजिएगा कि वहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि केस सेंसिटिव है या इनसेंसिटिव है, ठीक है। तो जो भी स्टैंडर्ड होगा CSS3 का, जो भी स्टैंडर्ड होगा HTML5 का, हम उसको फॉलो करेंगे। हम ब्राउज़र्स क्या करते हैं हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, ब्राउज़र्स तो इतने एडवांस हैं कि अभी मैं इसमें ना ये हेड वेड बॉडी कुछ भी ना लगाऊं, डायरेक्ट H1 लिखूं तो भी चल जाता है, ठीक है, लेकिन दिस इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस। हाँ हाँ नहीं मैं स्टिल अगेन बता रहा हूँ, वो सही बात समझ गया मैं आपकी क्या है वो, लेकिन हमने क्या करना है, हमने ब्राउज़र्स, क्योंकि ब्राउज़र पे तो मैं डायरेक्ट H1 लिखूँ ना, ये डॉक टाइप, ये HTML, ये हेड, ये कुछ भी ना लिखूँ, डायरेक्ट H1 लिखूँ तो भी समझ जाता है वो, लेकिन क्या हमें डायरेक्ट H1 लिख देना चाहिए? नहीं, ठीक है। हमें ये हेड के अंदर बहुत सारे टैग्स हैं, मेटा का टैग है वो हमने देखा उसका क्या काम होता है, ठीक है, ये टाइटल का काम क्या होता है हमें पता है ये बात,
और इसको हेड में ही लिखना पड़ता है हमें, ठीक है। तो ये हम एक स्ट्रक्चर के थ्रू लिखते हैं जो HTML5 ने हमें डिवाइस करके बताया है, है ना। हम उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ब्राउज़र तो बहुत एडवांस है, ब्राउज़र को तो मतलब कुछ और भी दे दो तो वो समझ जाता है, लेकिन हमने उसकी ब्राउज़र की समझदारी पे नहीं जाना, हमने HTML5 के स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, ठीक है। तो चलें जी, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी फिर नेक्स्ट क्लास में।